अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा की रक्षा करने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक इकाई पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में जवानों ने बहादुरी से सामना किया और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी थे, इसलिए उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक वर्ष के दौरान देश में कुल 188 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को प्रातः 8 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पुलिस मुख्यालय ड्रिल ग्राउंड अकोला में 188 अधिकारी कर्मचारियों के नाम पढ़कर क्रेडिट सर्कुलेशन किया गया। इन वीरों के बलिदान और देशभक्ति से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और सशक्त पुलिस अधिकारियों ने हवा में 3 राउंड फायरिंग कर शहीदों को सलामी दी। शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुभाष दुधगांवकर, मूर्तिजापुर डिवीजन के उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोहर दाभाड़े, सिटी डिवीजन पुलिस स्टेशन के सभी थानेदारों, पुलिस आयुक्त ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एनबीसी न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।